नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी उत्तर प्रदेश के साथ में 4 अन्य राज्यों में भी विजय परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश जहां सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है, वहां की परिस्थितियां भी विषम थी और ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारे झाबुआ ज़िले की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री संगीता जी सोनी भी वहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान देखी गई और अवध क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों के लिए उनको भी चुनाव प्रभारी बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, संगीता जी सोनी को जब जब भी जहाँ जहाँ भी जवाबदारी दी गई वहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम लहराया है। आइए हम जानते हैं उनसे उनका उत्तर प्रदेश का सफ़र। नमस्कार भाभी जी। जी नमस्ते। उत्तर प्रदेश में आपको अवध का चुनाव प्रभारी बनाया गया, किस तरह का सफर रहा आपका? चुनाव प्रभारी रही मैं, पर बहुत अच्छा सफर रहा। बहुत काम करने में बहुत ही दिलचस्पी से काम किया हमने। सारे मतदाताओं के बीच में जाना हुआ, इवन नीचे तक हमारा जाना आना हुआ। पब्लिक से फेस टू फेस मिले, सबसे डोर टू डोर जनसंपर्क रहा, चौपालें करी हमने, सभाएं करी, जो जो भी कार्यक्रम रहे हम उसमें सम्मिलित होकर पूरी काम को विस्तार के रूप में बढ़ाया हमने। घर से महिलाएं जैसे काम नहीं कर रही थी, कहीं महिलाएं बैठी हुई थी घर में, कहीं को कोई दिक्कतें आ रही थी, तो उन सबको भी उसका हल निकला के और काम पे लगाया, क्योंकि महिलाएं बहुत काफ़ी घबरा रही थी वहाँ पे। काम करने से महिलाएं पीछे हट रही थी, क्योंकि जो सुना जाता है कि यूपी में गुंडा राज था, पर मोदी जी के आने से और योगी जी के पिछले 5 वर्ष उन्होंने काम किया, उस काम को देखते हुए गुंडा राज पूरा खत्म हुआ। और गुंडा राज खत्म हुआ तो हमारी कई बहनों से, कई बेटियों से संपर्क हुआ, और जिस तरह से मैंने उनसे बातचीत की तो उसमें लगा कि वाकई में अब बहनें भी खुल के स्कूल कॉलेज उन जाने लगी थी, क्योंकि कई घरों में मेरा जाना आना हुआ तो वहाँ पे पता लगा था कि बहनें 3 बजे के बाद स्कूल नहीं जा पाती थी, 3 बजे के बाद में वो कॉलेज नहीं जा पाती थी, वो कहीं ट्यूशन वगैरह, उनका कोई जाना आना नहीं रहता या उनका परिवार का कोई व्यक्ति उनके साथ रहेगा तो वो पढ़ाई कर सकती थी, नहीं तो पढ़ाई नहीं कर सकती थी। ऐसा गुंडा राज एक वातावरण ऐसा बना हुआ था। भारत को सशक्त बनाने की जहाँ बात करते हैं तो भारत को सशक्त बनाया गया है वो देखने को मिला है हमको यूपी में। महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को रोजगार मिला है, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, ये हमने यूपी में देखने मिला है। मतलब कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को खात्मे को लेकर और महिलाओं के सशक्तिकरण पर वोट पड़े हैं, उसमें अयोध्या और राम मंदिर निर्माण की कितनी भूमिका आप देखते हैं? पूरी भूमिकाएँ हैं निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने जिस तरह से काम किया है राम मंदिर के लिए, जिस तरह से योगी जी ने काम किया है राम मंदिर के लिए, जिस तरह से नड्डा जी ने काम करवाया है हर एक कार्यकर्ताओं से राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के भाव हर एक कार्यकर्ता के अंदर था। कार्यकर्ता जानता था कि इस भाव से हमको काम करना है और ये भाव होना चाहिए, जो जितने भी है देश के वासी उनके मन के अंदर ये भाव होना चाहिए कि राम मंदिर बने और राम मंदिर अच्छा भव्य बने। आपके साथ में स्टार प्रचारक के रूप में अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब के साथ आपने भी मंच शेयर किया, जनता ने उनको किस प्रकार का आदर दिया और किस प्रकार से उनकी जनसभा हुई? बहुत ही सराहनीय रहा था वो कार्यक्रम, बहुत ही मतलब ये कहूँ कि पब्लिक उनको देखने के लिए भीड़ की भीड़ उमड़ रही थी उस वक्त। हमने देखा था कि हमारे मुखिया जी जब वहाँ पहुँचे हैं वो, तो वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी लोग उनसे मिलने के लिए उत्साहित हो रहे थे वहाँ के, क्योंकि जानते थे कि ये विकास पुरुष है, ये मध्य प्रदेश से आए हुए हैं जो कि कई सारी योजनाओं के बीच में काम कर रहे थे। ऐसे मुखिया हमारे बीच में आए हैं, सरल भाव के मामा जी जिनके नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में, उनका नाम मामा जी है, उनको वहाँ पे भी लोग मामा मामा कह के पुकार रहे थे। तो बड़े गर्व हो रहा था हमको कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब पब्लिक के बीच में पहुँचे वहाँ पर, तो बड़ा गर्व महसूस किया हमने कि हमारे मुख्यमंत्री का आज यहाँ पे भी कितना नाम है। वहाँ पे भी कार्यकर्ता आवाज़ें आ रही थी नीचे से, टोली के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोटो खिंचवाए, वहाँ के हर कार्यकर्ता खुश हो रहे थे कि इतना सरल स्वभाव, इतने सहज उपलब्ध मुख्यमंत्री हमको
देखने में मिले हैं कि बच्चों के साथ में उन्होंने फोटो खिंचवाया, माताएं मिली, माताओं को उन्होंने सम्मान किया, माताओं के साथ में उन्होंने फोटो खिंचाए, कहीं तो पुलिस के जवानों के साथ भी कहीं उनकी भी मंशा रही कि हम जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हमारे बीच में आए हैं हम उनके साथ भी फोटो खिंचाए। और हमारे इसमें यूपी में इसी तरह से जिस तरह से मध्य प्रदेश में काम हो रहा है, चारों तरफ विकास ही विकास की गंगाएं बहाई जा रही है, इस तरह से हमारे यूपी में भी काम हो और जिस तरह से यूपी में काम हो भी रहा है पर और आगे बढ़े और आगे विकास हो, इसकी भाव सभी लोगों के बीच में देखने को मिल रहा था मुझे। प्रायः देखा गया है कि आपको जब जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है आपने उसका बखूबी निर्वहन किया है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर भी आपको भेजा है वहाँ पर सफलता मिली है, तो क्या कारण रहा, कुछ किस प्रकार का प्लान आप करते हैं? प्लान में तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, प्लान क्या करेंगे, पार्टी की रूपरेखा रहती है, संगठन एक हमारा मार्गदर्शक रहता है, संगठन हमको जो आदेश करता है जिस रूप में हमको काम करना होता है उसमें जाकर हम संगठन के रूप में काम करती हूँ। जैसे इस बार मुझे भेजा गया था कि आप जा रही है तो आपको सीटों पर बहनों से बातचीत करनी है, मंडलों में जाना है, मंडलों की वहाँ की स्थिति देखनी है, बहनों की चौपालें लगानी है, आपको सभाएं करनी है बहनों के साथ में वहाँ की, क्योंकि बहनें घर में थी और बहनें बाहर निकलकर काम नहीं कर रही थी, ये कारण सबसे प्रमुख रहा था। और मेरी काफ़ी बहनें यहाँ मध्य प्रदेश से गई हुई थी तो सभी बहनों ने सब अपने अपने हिसाब से जो जो संगठन ने काम दिए थे उसी रूपरेखा में हम लोग काम कर रहे थे। आने वाला समय मध्य प्रदेश में भी पंचायत चुनाव का है, फिर नगर परिषद के चुनाव का है, तो अगले इलेक्शन भी गुजरात के होना है, विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, तो आप किस तरह से देखते हो, क्या पार्टी कोई जवाबदारी आपको अगर गुजरात की भी देती है तो वो स्वीकार करेंगे आप? क्योंकि चुनाव तो चुनाव है और जहाँ पार्टी जवाबदारी देती है वहाँ पर जाना चाहिए, ये हमारा हक में है कि हमको पार्टी जहाँ भेजती है हमको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जाकर भारतीय जनता पार्टी के परचम के लिए हमको काम करना चाहिए। हम भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जहाँ भेजेगी जिस मोर्चे पे भेजेगी पार्टी हम उस मोर्चे पे जाकर काम करेंगे। ये थी भारतीय प्रदेश मंत्री संगीता जी सोनी। आपने देखा कि राष्ट्रीय महिला दिवस अभी ही गया है 8 मार्च को और हमारे बीच एक सशक्त महिला संगीता जी सोनी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जो सेवा कार्य किए हैं उसके बारे में बेबाकी से जवाब दिए। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए लाल बटन को देखकर उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बजाना न भूलें ताकि सबसे पहले आपको ये न्यूज़ें मिलती रहे। धन्यवाद।